सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल निशको डीके में। एंड आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के दो शेयर। पहला हमारा है अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। दोनों शेयरों के अंदर आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 4.5% के आसपास अडानी ट्रांसमिशन टूटा और अडानी टोटल गैस भी आप देखोगे भी 4.5% के आसपास होल हुआ। इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या रहे हैं, क्या आगे हमें इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए, समझो दोनों में डिफरेंस। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो भाई ट्रेडिंग है शॉर्ट टर्म में पैसा लगा दिया 5-7 दिन के लिए 10 दिन के लिए स्विंग ट्रेड कर ली, ठीक है, और इंट्राडे कर लिया, वो तो हो गया ट्रेडिंग। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार वैल्यूएशन चेक कीजिए। जैसा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया था कि अडानी ग्रुप के सभी जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है, ये सभी को पता है। हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, सस्टेनेबल आप देखोगे इंश्योरेंस के अंदर अभी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहे हैं दोनों के दोनों शेयर। अडानी टोटल गैस की बात करें तो आप देखोगे 150 के आसपास इसका पीई है, 150 के पीए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें अडानी ट्रांसमिशन की तो अडानी ट्रांसमिशन भी आप देखोगे लगभग 90 से 95 के आसपास है, तो इतने हाई पीए पर ट्रेड कर रहे हैं जबकि पीए कहां पर होना चाहिए था इनका 20, 15, 25, 30, 35, यहां तक अगर होता तो काफ़ी अच्छा माना जाता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर है, ठीक है। TCS का आप देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्री का आप देखोगे, उनका पी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, सस्टेनेबल नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अवॉइड करना लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, जब जब मौका मिलेगा शॉर्ट टर्म में उठाने का वहाँ से वो मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। मौका कब मिलता है, जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है, इसलिए आपको न्यूज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जब अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी बनने वाली थी उस दिन वीडियो बनाया था, अभी अडानी ग्रुप के अंदर फिर से वापसी आएगी क्योंकि भाई अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से जो ना भी आप देखोगे क्लीन चिट मिलते नजर आई है, यानी वो अपडेट हमें देखने को खबर आते नजर आई थी, लेकिन वहां पर भी आप देखोगे भी कुछ और ही है। मैंने पीछे 2-3 आर्टिकल्स और देखे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। जो क्लीन चिट मिली है वो एक्चुअली में अडानी ग्रुप को नहीं मिली है, वो एक्चुअली में मिली किसको है, सेबी को मिली है, क्योंकि सेबी भी आप देखोगे भी जांच करिए ना अडानी ग्रुप के ऊपर, तो सेबी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे पब्लिक के द्वारा कि सेबी कोई जांच नहीं कर रही है, ठीक है, अगर जांच करे तो बहुत ज़्यादा चूक कर रही है इन जांचों में। तो इन सब को लेकर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट की SC पैनल रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया था कि सेबी के द्वारा जो जाँच की जा रही है उसके अंदर कोई भी कमियाँ नहीं है, वो सही जाँच कर रही है। और 15 अगस्त तक आप देखोगे इनको टाइम दिया गया है कि 15 अगस्त तक जो ना भी अपना रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बताती है इन दोनों शेयरों में गिरावट क्यों, क्योंकि भाई आप देखोगे नीचे के लेवल पर 633 के भाव पर आ गया था अडानी टोटल गैस, जब से वेटेज जो ना भी कम करने की बात चली थी ना, ठीक है, MSCI इंडेक्स ने झटका दिया वेटेज कम करने का दोनों शेयरों के अंदर, तो बिग फॉल दोनों शेयरों में आ चुका था, 633 के भाव पर आ चुका था अडानी टोटल गैस। और अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 700 के भाव पर आ चुका था शेयर, दोनों के दोनों शेयरों में काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था ऊपर के लेवल से, लेकिन अब आप देखोगे वहां से फिर से रिकवरी और शेयर पहुंच चुका था 900 के आसपास अडानी ट्रांसमिशन। अडानी टोटल गैस की बात करें तो 800 रुपये प्लस में आ चुका था, तो इनके अंदर हमें देखने को मिला है मुनाफा वसूल, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है जिसके चलते शेयरों में गिरावट है। और अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में एकदम से ऊपर के लेवल से 2-3 दिन से आप देखोगे रोक लगी हुई है, 3-4 दिन लगातार भागे शेयर, फिर उसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग के चलते शेयर जो ना भी आपको कंसोलिडेट या फिर जो थोड़ी बहुत गिरावट में आते नजर आए हैं। तो इन सब को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन भी मैंने आपको इसके लेवल्स बता दिए थी लेवल्स क्या रहेंगे। अगर वीडियो नहीं जाकर देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर तो आप देखोगे भी इन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस है वो काटे हैं, तो इसके जो कल के लेवल्स रहेंगे वो आपको बताएंगे भाई सुबह वाली वीडियो में या फिर जो ना आज शाम तक वीडियो लेकर आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।